डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी बोलते हैं। और इस वीडियो में हम TCP/IP वर्सेस OSI मॉडल भी डिस्कस कर लेंगे। तो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम, इंटरव्यूज, कहीं पे भी आपको पूछ लें, आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन आपको टास्क ही दे रहा हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक सब्सक्राइबर आपको जरूर लेके आना है आज ही की डेट में। और अगर ऐसा कर लोगे तो डन जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे TCP/IP वर्सेस OSI की अगर हम बात करें ना, तो OSI के बारे में मैं आपको अच्छे से पूरी डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी। 7 लेयर्स का आर्किटेक्चर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। लेकिन अगर हम TCP/IP प्रोटोकॉल सूट की बात करें तो उसमें हमारे पास जो है ना 4 लेयर आर्किटेक्चर भी और 5 लेयर भी है। 4 लेयर और 5 लेयर में डिफरेंस क्या है, पहले तो ये देख लो। 4 लेयर में हमारे पास 4 लेयर्स हैं, जिसमें डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दिया है। नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को ट्रांसपोर्ट लेयर या फिर होस्ट टू होस्ट लेयर भी बोल देते हैं, और इन तीनों लेयर्स को कंबाइन करके एप्लीकेशन। और जो 5 लेयर है वो एक्चुअल में क्या है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर अलग अलग है, बाकी की कहानी आपकी सेम ही है। अब ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस का सबसे मेजर कारण ये है गाइस कि जो OSI था ना, वो एक्चुअल में प्योर थ्योरेटिकल मॉडल था। है तो ये दोनों ही फंडामेंटल मॉडल्स, मतलब फंडामेंटल मतलब कि अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट पे कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है, हमेशा हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल की। लेकिन ये जो OSI मॉडल है, फंडामेंटल मॉडल है, हर एक कम्युनिकेशन में आप बेसिकली बोल सकते हो कि अगर नेटवर्क को पढ़ना अच्छे से तो आपको इसकी पूरी कहानी आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ये था पूरा का पूरा थ्योरी, और जो TCP/IP है वो है पूरा का पूरा इंप्लीमेंटेबल मॉडल। किसने डेवलप किया? ARPANET ने जो इसको डेवलप किया, और ये फंडेड बाय था DARPA, जो डिफेंस एजेंसी थी अमेरिका की, उसने इसको फंडेड किया था, और ARPANET ने उसको एक्चुअल में यूज करने के लिए इंप्लीमेंट किया। तो ये एक्चुअल में इंप्लीमेंटेबल मॉडल है, और इसमें डॉक्यूमेंटेशन वाला काम नहीं है। मतलब ये था पूरी की पूरी थ्योरी, और ये है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। तो जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम करते हैं तो हम ज्यादातर थ्योरी या डॉक्यूमेंटेशन में काम नहीं करते, तो इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर ज्यादा काम किया ही नहीं। तो आपको बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारे मटेरियल में 5 लेयर मिलेगा, तो बहुत सारे में आपको 4 लेयर। लेकिन एक्चुअल में 4 लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, अगर लेट्स से फ्रोजन की बुक है तो ये वाला, अगर टेनबॉम है तो ये वाला। ये एक्चुअल में क्या है, आप कहां से पढ़ रहे हो उसके ऊपर जो है वो ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन कहानी जो है वो दोनों की सेम ही है। जैसे एप्लीकेशन लेयर की बात करें तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन लेयर का सबसे मेजर काम क्या है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इसमें भी था और इसमें भी, अलॉन्ग विद दिस प्रेजेंटेशन लेयर का जो काम था, लेट्स सी अगर मैं डिफरेंट एनकोडिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं तो उनको सिंक्रोनाइज करना, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वो सारा काम, सेशंस को क्रिएट करना, उनको मेंटेन रखना, वो सारा का सारा काम अब इसके अंदर आ गया। बाकी वही डेटा जनरेट करना किसका काम है, यूजर कहां पे बैठा है, यहां पे, मतलब वो कोई ना कोई एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, SMTP को अगर मैंने मेल करनी है, FTP को अगर मैंने फाइल ट्रांसफर करनी है, टेलनेट को रिमोट लॉगिन के लिए, वो एप्लीकेशन, वो सारे प्रोटोकॉल्स बिल्कुल सेम ही है जैसे OSI में थे। देन अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो इसका काम क्या है भाई, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। TCP मॉडल जो सबसे मेजर, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, TCP/IP प्रोटोकॉल, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है IP नेटवर्क, हम यहाँ पे IP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिसमें IPv4 भी है, IPv6 भी है। तो वो आपकी इंटरनेट लेयर पे आ गया। ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेजर आपका TCP, UDP, SCTP, तो कनेक्शन लेस बनाना है, कनेक्शन ओरिएंटेड, वो कहानी आपको ऑलरेडी पता ही है। तो वो आ गया आपका होस्ट टू होस्ट। देन सोर्स टू डेस्टिनेशन में, जहां पे हम IP एड्रेसिंग की बात करते हैं, हेडर में IP एड्रेस डालना, सोर्स का, डेस्टिनेशन का, वो सारा इंटरनेट लेयर जो है वो टेक केयर करती है। देन फाइनली हमारे पास जो है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन योर ओन नेटवर्क, विदिन वन नोड टू सेकेंड नोड कैसे डेटा को पहुंचाना है, वो आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है वो काम करती है। तो यहां पे एक तरह से डायग्राम आपका वही प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर ही है, कि एक तरह से यहां पे यूजर बैठा है, इस तरीके से जाएगा, हेडर एक एक करके ऐड होंगे, और डेस्टिनेशन पे इधर से, मतलब स्टैक आर्किटेक्चर है, तो वही लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला काम है जैसे OSI में है। लेकिन यहां पे आप ये कह सकते हो कि जैसे यूजर है, तो यूजर ने कोई डेटा जनरेट किया, एप्लीकेशन लेयर पे गया, एप्लीकेशन से वो किस पे गया,
ट्रांसपोर्ट पे गया, ट्रांसपोर्ट से वो किस पे गया, इंटरनेट लेयर पे गया, और इंटरनेट से वो किस पे गया, नेटवर्क एक्सेस लेयर पे गया। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर से लेट से नेक्स्ट मेरे पास कोई नोड है, कोई राउटर है, तो राउटर पे कौन सी दो लेयर्स होंगी, एक तो यही नेटवर्क एक्सेस लेयर होगी और दूसरी कौन सी होगी, इंटरनेट लेयर। तो इस तरीके से पैकेट घूम के फिर नेक्स्ट वाले पे जाएगा और वहां पे फिर नेक्स्ट में क्या होगा भाई, नेटवर्क एक्सेस लेयर और इंटरनेट लेयर। तो यहां से घूम के फिर पैकेट नाश्ते में, और जब मेरा रिसीवर आएगा तो रिसीवर में फिर यही चारों लेयर्स में से जाएगा। तो वही आर्किटेक्चर OSI में हम लोग बात करते थे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर की। तो यहां पे ये दो मेन लेयर्स के अंदर ही सारा का सारा कहानी जो है वो बन जाती है। तो ये मेन जो प्रोटोकॉल्स हैं जैसे IPv4, IPv6 वो इसके अंदर आ गए, IGMP, ICMP वो सारे इसके अंदर आ गए। मैक प्रोटोकॉल्स की बात करें, एरर कंट्रोल की बात करें, फ्लो कंट्रोल की बात करें विद इन द लोकल नेटवर्क, तो वो आपका आ गया नेटवर्क के अंदर। और अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं TCP, UDP वो सारी कहानी। तो डेटा टर्म हम यहां पे यूज करते हैं, सेगमेंट यहां पे, पैकेट यहां पे और फ्रेम यहां पे, जो हम एज इट इज OSI में यूज करते थे। तो मेन डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता लग गया कि जब भी आपको बात करें इंटरनेट पे इंप्लीमेंटेबल मोड कौन सा है, कौन सा मॉडल हम यूज करते हैं, तो TCP/IP मॉडल जो है वो यूज करते हैं। डेवलप आपको पता लग गया, ये एक्चुअल में ISO ने डेवलप किया, ये ARPANET ने डेवलप किया। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सपोर्ट करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को भी और पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है सर्वर, बाकी सारे क्लाइंट है उससे अटैच्ड है, तो वो अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, रिस्पॉन्स भेज रहे हैं वो वाला। और पीयर टू पीयर का मतलब क्या है, कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, सारे आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे के थ्रू डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वे में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो वो दोनों को सपोर्ट करता है। तो मेन कहानी TCP/IP के यही है, इससे बाहर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, दिस इज इनफ। थैंक यू।